आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जो यदि आपको गिफ्ट में मिल गई तो समझ लीजिए पैसों की बरसात होने वाली है आपके घर में। फेंगशुई में कुछ चीजों को बहुत शुभ माना जाता है। फेंगशुई के अनुसार कहा जाता है कि इन्हें गिफ्ट में देने से सौभाग्य आता है और गिफ्ट ही मिलना चाहिए। फेंगशुई की माने तो इन चीजों को गिफ्ट में पाने वाले के जीवन में खुशियां खुशियां आती है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें गिफ्ट में मिलने के बाद घर में रखने से पैसों में वृद्धि होती है। फेंगशुई में इन चीजों को लकी माना जाता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। फेंगशुई के अनुसार कछुए को गिफ्ट में देना बहुत लकी माना जाता है। कहा जाता है कि ये लंबी लाइफ का प्रतीक है। गिफ्ट में देने के लिए आप ग्लास, मिट्टी और क्रिस्टल का कछुआ दे सकते हैं। फेंगशुई में इसे रखने के कुछ नियम हैं, इसलिए इसे देने से पहले नियम जरूर जान लेना चाहिए। इसे रखने से खुशी, संपन्नता और सुख समृद्धि आती है। अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो मैनेडेरियन डक्स देना बहुत शुभ माना जाता है। दरअसल मैनेडेरियन डक्स प्यार का प्रतीक होता है। इन्हें गिफ्ट में देने से जिंदगी में प्यार ही प्यार रहता है। इन चीजों को हमेशा जोड़े में रखना चाहिए, इसलिए इसे गिफ्ट भी जोड़े में ही करना चाहिए। फेंगशुई क्रिस्टल को धन में वृद्धि के लिए रखा जाता है। इसकी 8 साइड्स होती हैं और कहा जाता है कि इसे 8 तरह के आशीर्वाद भी मिलते हैं। पैसों के मामले में कहा जाता है कि इन्हें घर में रखने से पैसे के मामले में हर तरह से लाभ होता है। फिर ड्रीम कैचर, ड्रीम कैचर को बुरे सपने ना आने के लिए घर में रखा जाता है। ड्रीम कैचर अलग अलग साइज में होते हैं और घर में सजाने बहुत काम आते हैं। गिफ्ट में पाने वाले को बुरे सपने नहीं आते। फिर लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा को घर और ऑफिस में रखा जाता है। इसे रखना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है इसे घर में रखने से खुशियां खुशियां आती है, इसलिए इसे गिफ्ट में देना अच्छा माना जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।